तो दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम रील्स किस वक्त अपलोड करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टाग्राम खुद बताता है कि आपको किस वक्त आपको इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं पहले आपको कुछ लाइव प्रूफ दे देता हूँ। दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करता था, ये रहा अकाउंट, फॉलो भी कर सकते हैं आप। तो मैं रोज़ 8 बजे रील्स अपलोड करना था और आप मैंने कल अपलोड करी 6 बजे अपलोड करा। तो पहले मैं जब 8 बजे अपलोड करता तो उसमें 200-300 व्यूज आते थे और वीडियो रुक जाती थी, फिर उसमें बिल्कुल व्यूज नहीं आते थे। दोस्तों मैंने कल 6 बजे अपलोड करा। आपको 6 बजे नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम खुद बताएगा आपको कितने बजे करना है। आपको कैसे पता करना है तो मैं लास्ट तक देखना, वीडियो को बता देता हूँ। तो मैंने जब 6:30 बजे रील्स अपलोड करी, 6 बजे करीब, तो दोस्तों आज मेरे देखे 950 व्यूज हो गए हैं और 1000 के करीब जा रहा है। दोस्तों अभी 1000 भी हो जाएंगे। तो आपको सही वक्त देखना है किस में आपको रील्स अपलोड करनी चाहिए। कुछ रील्स अपलोड करते समय पहले आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आपने रील्स अपलोड करी, कितने लोग आपकी रील्स देखा पहले 1 घंटे में, कितने लोग आपके रील्स पर गए। तो ज़्यादा जितने लोग पहले आपके रील्स देख लेंगे उतने ज़्यादा इंस्टाग्राम खुद लोगों के पास भेजेगा आपके रील्स। तो आपको देखना है आपके ऑडियंस किस वक्त एक्टिव रहते हैं, उसी समय आपको रील्स अपलोड करनी है। आपको कैसे देखना है तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ बताते हैं आपको डिटेल्स में। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाना है। तो दोस्तों आपने देख लिया सही टाइम पर रील्स अपलोड करने का क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों मेरे में व्यूज़ देखिए 1000 करीब होने वाले हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, तो सिंपली से प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपको नहीं दिख रहा तो दिखाने की कोशिश कर देता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये देखिए। तो ये रहा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन, सिंपली से आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको देखना है आपके ऑडियंस किस समय एक्टिव रहते हैं, आपके फॉलोअर्स, तो उस समय रील्स अपलोड करना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को आपको ओपन करना है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखने के बाद आपके अपने अकाउंट की रील्स दिख जाएगी। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा सी आल का, तो सी आल का ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर सी आल पे आपको क्लिक करना है। सी आल पे क्लिक करना, इनसाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इनसाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट रीच देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टोटल फॉलोवर्स का, तो टोटल फॉलोवर्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। सिंपली तो आपको यही टोटल फॉलोवर्स आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देख लिया आपको पूरा अकाउंट रीचर्ड आपका दिख जाएगा, भाई कितने फॉलोवर्स अनफॉलोवर्स और कितने लोग देख रहे हैं। फिर आपको दिख जाएगा आपकी रील्स कहाँ चल रही है। देखिए कानपुर में चल रही, दिल्ली में चल रही, लखनऊ में चल रही, मेरी रील्स देखी जा रही ज़्यादा, तो किस देश में देखी जा रही है ये भी देख लेंगे। कि लोग देख रहे हैं 17 से 18 साल की, आपको पूरी रील्स की इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट डैशबोर्ड मिल जाती है। तो आपको ऐसे ही नीचे आना और कितने फॉलोवर्स देख रहे हैं, कितने मैन देख रहे हैं, वोमेन देख रहे हैं। देखिए 18% वोमेन और 81% देख रहे हैं मेरी। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अब आपके ऑडियंस किस समय एक्टिव रहते हैं, यानी कि मोस्ट एक्टिव टाइम। तो देखिए मेरे सैटरडे आज संडे मतलब मंडे को किस टाइम मेरे अपलोड हुए थे, मतलब कल मेरे किस टाइम हमने अपलोड कर दिया, 6 बजे मेरे एक्टिव थे और 6 बजे हमने कल अपलोड करी, जब भी मेरी रील्स अच्छे व्यूज़ गए हैं। तो समझ गए, अब आपको देखना आज किस टाइम रील्स अपलोड करनी चाहिए, उस दिन कितने समय, जिस समय आपके रील्स एक्टिव रहे, आपके फॉलोअर्स, आपके ऑडियंस, उस समय आपको रील्स अपलोड करनी है। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं 6 बजे 9 बजे अपलोड करने, कल 6 बजे सीम रात में ज़्यादा एक्टिव थे फॉलोअर्स। इसी तरह आपको अपने अकाउंट की पूरी रीच देखनी है, आपका ऑडियंस किस समय एक्टिव है, क्या हम देख रहे हैं, किस देश में चले, तो उसी के हिसाब से आपको अपनी रील्स बनानी है, अपनी रील्स को बेहतर करना है। तो दोस्तों तो आपको उसी टाइम पर रील्स अपलोड करनी है। तो दोस्तों अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।